मैं हूं आपके साथ गुलनीत कौर। दोस्तों, अपने शरीर का ख्याल हम सभी रखते हैं, अपने आप से प्यार बहुत करते हैं। अगर हम थोड़ा भी बीमार हो जाएं तो हमारी पूरी लाइफ एकदम हिल जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए हमें सही डाइट लेनी चाहिए, अपना पूरा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है हमें पता नहीं चलता कि हम बीमार पड़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे किडनी की, क्योंकि आज है वर्ल्ड किडनी डे। किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, हमें उसे स्वस्थ रखना चाहिए। और कैसे स्वस्थ रखना है, उसके खराब होने के क्या लक्षण हैं, और अगर किडनी खराब हो जाए तो हमारे शरीर पर उसका कैसा असर पड़ता है, इस बारे में हम लायंस किडनी हॉस्पिटल के किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर एसके पॉल जी से बात करेंगे। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत न्यूज के फेसबुक लाइव में। आप हमें बताइए कि किडनी क्या है, हमारे शरीर के लिए वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, और अगर किडनी खराब हो जाए तो वो हमें किस तरह के लक्षण से उसका पता चलता है, और हमें कैसे अपना ख्याल रखना है। हमारे पास दो किडनी होती है, और किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारे शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालता है। ये दोनों किडनी अगर हम इस तरह से अपने आप को पकड़ के खड़े हों तो ये पीछे की तरफ इधर सिचुएटेड होती है, और इसमें लगातार खून का बहाव होता है जिससे कि खून में से वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर करके, और जो वेस्ट मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक नहीं है, जो पॉइजनस चीज़ें हैं, उनको शरीर से बाहर यूरिन के रूप में, यूरिन में घोल के ये निकाल देती हैं, और बाकी का ब्लड वापस हमारी खून के अंदर वापस मिल जाता है। ये हमारी किडनीज का काम है, और किडनीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, पर बहुत ही साइलेंट ऑर्गन्स हैं। ये कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं देती, ज़्यादा तकलीफ नहीं देती। थोड़ा बहुत कभी कोई लक्षण हो, कभी पेन हो, कभी उल्टियाँ हो, शरीर में खुजली हो, हिचकियाँ हो, ऐसे बड़े ही वेग सिम्टम्स के साथ में हमें आइडेंटिफाई करना होता है, जानकारी लेनी होती है कि कहीं किडनी में खराबी तो नहीं हो रही। मतलब ये आपने जो सिम्टम्स बताए हैं, उल्टियाँ आना या अचानक पेन होना, तो अगर ज्यादा दिन हो या कितने दिन हो, मतलब कैसे हम पता लगाएं कि ये तकलीफ हमारी किडनी से जुड़ी है और हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। किडनी खराब होने के सबसे बड़े दो मुख्य कारण हैं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जी। इसके बारे में हम सबको बहुत सजग रहना चाहिए, साल में एक बार जरूर चेकअप कराना चाहिए 35-40 की उम्र के बाद। अगर कहीं ये बीमारियां पैदा हो रही हैं तो इनका ध्यान रखना है। ये दोनों बीमारियां धीरे धीरे बिना किसी सिम्टम के, बिना किसी तकलीफ दिए किडनी को खराब करती रहती हैं। इसके अलावा जो बीमारियां हैं वो हैं रुकावटें, जो किडनी यूरिन बनाती है इसको बाहर निकाला जाता है, जो बाहर निकलने के रास्ते हैं उन रास्तों में अगर कहीं रुकावट आ जाए तो किडनी साइलेंटली डैमेज होने लगती है। अगर कहीं कोई पथरी है तो वो पहले दिन बहुत जोर से दर्द पैदा करती है, और इस दर्द को इवन डिलीवरी के दर्द की तरह माना जाता है, इतना भयानक दर्द होता है। पर 3-4 घंटे ये दर्द रहने के बाद, या 1 या 2 इंजेक्शन दर्द के देने के बाद, ये ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी कुछ था ही नहीं। बहुत से लोग इस लेवल पे आके इसको इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं रखते, वो सोचते हैं पता नहीं गैस का दर्द था क्या था, इग्नोर कर देते हैं, इसकी पूरी जानकारी हासिल नहीं करते। तो उनको जरूर अगर कभी एक बार भी इतनी जोर का दर्द हुआ है तो जरूर टेस्ट करा के, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे करा के जानकारी लेनी चाहिए कि यह दर्द कहीं किडनी से स्टार्ट तो नहीं हो रहा था जी। और अगर कोई स्टोन है तो हमें तब तक उसका इलाज करना होता है या फिर से टेस्ट करना होता है जब तक कि वो कॉन्फिडेंटली हमें पता लग जाए कि शरीर से निकल गया या फिर ऑपरेशन की मदद से निकाल दिया गया जी। डॉक्टर साहब, अगर डेली रूटीन की बात करें तो हम किडनी हमारी खराब ना हो, हमारी किडनी पे कोई बुरा असर ना पड़े, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब किडनी डिजीजेस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए जो हमें अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। देखिए, वही मैंने बताया कि हमें सजग रहना है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के प्रति, और ये दोनों बीमारियां ओवरवेट होने से होती हैं। तो पहली चीज, हमें कभी भी ओवरवेट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज जो एक सामान्य सबके लिए जरूरी है कि खूब पानी पिया करें। अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं, ज़्यादा फिल्ट्रेशन होता है, किडनी में कंसंट्रेटेड सॉल्यूट्स नहीं बनते हैं, स्टोन बनने के चांसेस कम रहते हैं। तो पानी पीना एक मैं सलाह दूंगा, करीब एक आदमी को प्रतिदिन 2 से 2.5 लीटर पेशाब करना चाहिए।
तो पानी पीना इस पे डिपेंड करता है। अगर कोई लेबरर है जो सारा दिन सड़क पे काम करता है और सारा दिन उसका पसीना बहता है, तो उसको यूरिन आउटपुट उसका अपने आप कम हो जाएगा, तो इसीलिए उसको हो सकता है 5 लीटर पानी पर डे पीना पड़े। लेकिन जो आदमी हमेशा एयर कंडीशन में बैठा है उसका 3-3.5 लीटर पानी पीने से भी 2.5 लीटर तक यूरिन आने लग जाएगा। तो मेन मापदंड हमारा ये है कि 2 से 2.5 लीटर तक यूरिन प्रतिदिन जिसको आता है उसकी किडनी स्वस्थ रहती है। तो दोस्तों, जैसे डॉक्टर ने कहा कि आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, पानी से आपकी बॉडी फिल्टर होती रहेगी, किडनी सही से काम करेगी। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं, आप भी अपनी किडनी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, या आप किडनी के पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं, तो आप हमें ज़रूर सवाल पूछिए, हमारे फेसबुक लाइव पे कमेंट कीजिए और डॉक्टर साहब आपके सवालों के ज़रूर आंसर करेंगे। डॉक्टर साहब, हम आगे पूछना चाहते हैं कि हम अपनी डाइट में, जैसे आपने पानी बताया, लेकिन उसके अलावा हम अपनी डाइट में ऐसे कौन से बदलाव लाएं कि हमारी किडनी स्वस्थ रहे? डाइट में, जैसा मैंने फिर से मैं एम्फेसाइज करूंगा कि हमारा हाइड्रेशन, हमारा शरीर में पानी की कभी कमी ना हो। किसी वजह से उल्टियां, दस्त लग जाएं, कुछ उल्टा सीधा खाने से, तो तुरंत हमारे शरीर से काफ़ी सारा पानी निकल जाता है। तो तुरंत या तो मुंह से, नहीं तो इंट्रावीनस ग्लूकोज लगा के, लेकिन शरीर में पानी की कमी ना होने दें। उसके अलावा किडनी के लिए स्पेसिफिकली कोई डाइट आइटम नहीं है, पर हाँ, जो हैवी मेटल्स होती हैं जैसे लेड है, मरकरी है, ये वाली चीज़ें जो हैं, ये तत्व किडनी को ख़राब करते हैं। तो कई सारी आयुर्वेदिक दवाइयों में बिना किसी जानकारी के ये हैवी मेटल्स, जैसे कई दवाइयों में आप देखेंगे लिखा होता है ये दवाई विद गोल्ड, तो इस तरह की जो दवाइयाँ सिर्फ हमें अट्रैक्ट करने के लिए और इंडस्ट्री मीडिएटेड दवाइयाँ होती हैं, उन्हें हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। और सामान्य अच्छी दवाइयाँ, जो कि अगर कहीं दवाइयों की ज़रूरत है तो उनका उपयोग करना चाहिए। पर हाँ, डाइट के लिए ऐसा कोई अलग से स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि वो लें तो हमारी किडनी ज़्यादा स्वस्थ हो जाएगी। सिर्फ लिक्विड पानी, उसकी क्वांटिटी बॉडी में हमेशा पूरी रहे। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे साहब हमने जैसे डाइट की बात की, आपने कहा कि ऐसी कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है कि जिससे हम किडनी को स्वस्थ रख सकें, लेकिन अगर एक बार डिटेक्ट हो जाए कि हमारी किडनी खराब है या किडनी में पथरी हो गई है, बट उसका इलाज हमने करवा दिया, क्या उसके बाद ऐसा होता है कि भूख में कमी हो जाती है या प्यास कम लगती है, ऐसे कोई लक्षण जो हमारी बॉडी में ऐसे आने लगते हैं जो हमारे खाने पीने की दिनचर्या को बदल देते हैं? किडनी की बीमारियों में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और जो मैंने आपको बताया कि जहर की मात्रा बढ़ जाती है, जहर एक तरह से मोटे मोटे तौर पे मैं उसे जहर कह रहा हूँ, हम लोग उसे ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन के नाम से मेजरमेंट करते हैं, अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो भूख मारी जाती है, खाना ही नहीं, अगर कुछ खाता भी है इंसान तो उसे उल्टियाँ होने लग जाती हैं, शरीर में ड्राई स्किन हो जाती है, बिल्कुल बहुत खुजली होती है, हिचकियाँ आती हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये हमें दिखाते हैं कि किडनी की बीमारी हो गई है और उसकी तरफ हमें ध्यान देना है। डॉक्टर जी, हम थोड़े से आपसे कुछ जानना चाहेंगे, कुछ टिप्स की किडनी की पथरी, उसके लक्षण, उससे कैसे बचाव किया जाए, और अगर एक बार डिटेक्ट हो जाए तो उसके बाद हमें किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कुछ थोड़ा सा बताएं इस बारे में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और प्रिवेंटेबल डिसीज़ है जिससे किडनी डैमेज से बचा जा सके। सच बताऊं, आज की ज़िंदगी में भी हम देखते हैं इतने मॉडर्न मेडिसिंस, इतनी इजी मेडिसिंस और सर्जरी अवेलेबल है, फिर भी महीने में 2 मरीज़ कम से कम हम लोग देखते हैं जो कि पथरी की वजह से ऑपरेशन बताया गया लेकिन उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया। आजकल तो सारे ऑपरेशन दूरबीन और लेज़र से होते हैं, हार्डली कोई कट लगता है या एक आध टांका आता है पीछे, अदरवाइज स्टिच भी नहीं आता, 2 दिन में इलाज हो जाता है। पर लोग उससे डर के इधर उधर की दवाइयाँ और बाबाओं के दवाइयाँ खाते रहते हैं, और आज की डेट में भी हर महीने 2 मरीज़ ऐसे हम लोग देखते हैं जो पथरी की वजह से दोनों किडनी फेल करा के बाकी सारी ज़िंदगी डायलिसिस की ज़िंदगी जीते हैं, जो बहुत ही ख़राब चीज़ है। तो पथरी का तो एक और मज़े की बात है, हमारी इंडियन पॉपुलेशन में 9% लोगों को ज़िंदगी में ज़रूर कभी ना कभी पथरी बनती है। 125 करोड़ भारतीय हैं, आप ये समझ लो 12.5 करोड़ लोगों को कभी न कभी पथरी बनेगी। पर 1, 2 या 3 मिलीमीटर की स्टेज में अगर हम खूब पानी पीते रहें तो वो पानी के साथ हमारे यूरिनरी सिस्टम से बह जाती हैं,
और हमें उसके लिए कोई इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। तो बेसिकली मतलब हम अगर अपने पानी पीने की क्वांटिटी सही रखें, ढंग से पानी पिए और सही क्वांटिटी में पानी पीते रहें, तो किडनी की हर डिजीज से बचा जा सकता है, हम बहुत दूर रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और हमने अपनी रिसर्च में पढ़ा था कि क्रॉनिक किडनी डिजीजेस, महिलाएं बहुत ज्यादा इसका शिकार हो रही हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं में अलग से कोई किडनी डिसीजेस स्पेसिफिकली ज्यादा नहीं है, वही डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी और जब प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में किडनी के ऊपर काफी लोड आता है, अगर उस समय किडनी का ध्यान नहीं रखा जाए, ज्यादा पानी ना पिया जाए, या और कई वजह होती हैं, डिलीवरी के टाइम बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए, अगर ब्लड प्रेशर 70 मिलीमीटर से कम रह जाए 1-2 घंटे, तो कई बार दोनों किडनी काफी हमेशा के लिए खराब हो जाती है। तो ये महिलाओं में थोड़ी सी स्पेसिफिक ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज महिलाओं में जैसे पुरुषों के अंदर बीमारियां होती हैं किडनी की, ऑलमोस्ट वैसी ही बीमारियां हैं। हाँ, 60% महिलाओं को मीनोपॉज के बाद में पेशाब का रास्ता सिकुड़ जाता है हार्मोन्स की कमी हो जाने की वजह से, और खुल के पेशाब नहीं आता, पर महिलाएं पेशाब करने को इतना प्राइवेट अफेयर मानती हैं, इसके बारे में किसी से चर्चा नहीं करती, चुपचाप बाथरूम में जाके पेशाब करके आ जाती हैं, और बड़े ही रुकावट के सिस्टम के साथ में जोर लगा लगा के 10-10, 15-15 मिनट स्ट्रगल करके पेशाब करती रहती हैं। और ऐसे भी मरीज हैं जो महिलाएं जो इस चीज़ को हमारी नज़र में नहीं लाती और बैक प्रेशर की वजह से दोनों किडनी खराब हो जाती है। तो स्पेसिफिकली महिलाओं में अगर पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, बुजुर्ग महिलाओं में, तो उन्हें भी जल्दी से जल्दी इसको इलाज कराना चाहिए जिससे किडनी फेल्योर ना हो जाए। तो ये महिलाओं में जो किडनी डिजीजेज होते हैं, इसका यूटीआई से भी कुछ संबंध है क्या डॉक्टर जी? यूटीआई का मतलब है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिन एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है, हमारे बाप दादा जो है जख्म पे पेशाब करने के लिए कहते थे। यूरिन में अगर इन्फेक्शन होता है, और वाकई में वो इन्फेक्शन है जो कि कल्चर में 1 लाख से ज्यादा बैक्टीरिया दिखाता है, तो इसको हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, उसका जरूर कारण ढूंढते हैं। सेक्चुअली एक्टिव फीमेल्स में सेक्स के दौरान में कुछ बैक्टीरिया यूरिनरी सिस्टम में चले जाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए मैरिज के बाद और से अबाउट 40 ईयर की एज तक कभी कभी इन्फेक्शन अगर हो जाए तो उसको उतना सीरियसली हम नहीं लेते। साल में 3 बार से ज़्यादा अगर किसी महिला को इन्फेक्शन हो रहे हैं तो उसको हम ज़रूर बड़ी सीरियसली लेते हैं, और मेल्स में तो एक भी अगर यूरिन में इन्फेक्शन हो जाए तो उसका हम ज़रूर कारण ढूंढते हैं और उसका इलाज करते हैं, जड़ से इलाज करते हैं जिससे कभी इन्फेक्शन फिर ना हो पाए। जी डॉक्टर, फेसबुक लाइव से हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि अगर मुंह में बाल चला जाए या फिर आलू के छिलके हम खा लें, तो कुछ लोगों में ये मिथ है कि इससे भी किडनी डिजीजेस हो सकते हैं, क्या ये मिथ है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? प्योर मिथ है, प्योर मिथ जो है। कुछ भी हम मुंह से खाते हैं वो कहीं किडनी में नहीं जाता, वो हमारे फूड पाइप से जाके स्टमक में जाता है। स्टमक में उसको एसिड और एल्कलाइन, पहले एसिड मीडिया में डाइजेशन होता है, बाद में एल्कलाइन मीडिया में होता है, और वो स्टूल के रास्ते, मोशन के रास्ते, टट्टी के रास्ते निकल जाता है। तो इन चीज़ों का मुंह में जाने से, बाल वगैरह जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किडनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डॉक्टर, एक और क्वेश्चन आ रहा है कि अगर अचानक किडनी में हमारे पेन हो, बहुत ज़्यादा पेन हो, पर हम समझ नहीं पा रहे हैं, जैसे आपने कहा कि हाँ पीछे के एरिया में पेन होता है, तो कुछ लोगों को लगता है कि गैस प्रॉब्लम है या कुछ है, बट अगर आपको वाकई फील हो जाए कि ये किडनी का पेन है और बहुत अचानक पेन हो रहा है, उस टाइम एक फर्स्ट एड जो होता है, वो फर्स्ट एड हमें क्या लेना चाहिए? इसके लिए डाइक्लोफिनेक सोडियम करके दवाई आती है, कई ट्रेड नेम से मार्केट में आती है, काफ़ी इफेक्टिव है और किडनी को डैमेज होने से भी बचाती है। तो ये दवाई का इस्तेमाल, अगर टैबलेट से काम चल जाता है तो टैबलेट, नहीं तो इसका इंजेक्शन बड़े इजीली हर हॉस्पिटल के कैजुअलिटी में अवेलेबल होता है, तो ये एक इंजेक्शन लगा के इमीडिएट रिलीफ तो उसी समय हो जाता है, 1/2 घंटे में किडनी वाला दर्द शांत हो जाता है। उसके बाद में फिर हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं कि ये किस वजह से हुआ था, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे या सीटी स्कैन करके एग्जैक्ट बीमारी का पता लग जाता है,
फिर बीमारी का इलाज किया जाता है। लेकिन अगर हम ऑफिस एरिया में हैं, हम किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ हमें बिल्कुल आइडिया नहीं कि हमें कौन सी दवा लेनी है, हमारे पास कोई डॉक्टर सपोर्ट नहीं है, उस मोमेंट पे कोई ऐसा कोई फर्स्ट एड जो हम अपना सकते हैं कि हमें कुछ तो रिलीफ मिले ताकि हम डॉक्टर तक जाने के काबिल हो सके? देखिए, किडनी का दर्द मैंने बताया, ये डिलीवरी से भी ज़्यादा ख़राब होता है जी। इसके डॉक्टर की मदद तो लेनी ही पड़ती है। तो आसपास या अगर किसी को पहले दर्द हुआ है या जिसको कभी लाइफ में स्टोन बनते रहे हैं जी, तो जी। उसको हमेशा अपने पर्स में अपने पास डाइक्लोफिनेक सोडियम की डिस्पर्सिबल गोलियां आती हैं, वो कैरी करनी चाहिए। पर्टिकुलरली अगर आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, कहीं फ्लाइट में ट्रेन में है, तो ये टैबलेट हमेशा कैरी करिए अपने पास। और जहाँ दर्द हो, ये आधे ग्लास पानी में, अगर वजन आदमी का 50 किलो से ज़्यादा है तो दो गोलियाँ उसमें चम्मच से घोल के पी लेनी चाहिए, उससे 10-15 मिनट में ही आराम पड़ जाता है। तो जिस तरह से दवाइयाँ तो हैं डॉक्टर जी, लेकिन इसके अलावा कोई नेचुरल तरीके भी हैं जिससे हम अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं, या एक बार डिटेक्ट हो गया उसके बाद हमें नेचुरल तरीके से कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो दवाओं का बहुत ज़्यादा सहारा लेना बिलीव नहीं करते, उन्हें लगता है कि हमें नेचर की भी हेल्प लेनी चाहिए, होम रेमेडीज लेनी चाहिए कुछ। वो तो हम समझते हैं कि किडनी कोई छोटी बीमारी नहीं है, हमें सीरियस लेना चाहिए, हमें डॉक्टर सपोर्ट लेना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे एक फेसबुक यूज़र का क्वेश्चन है कि हमें नेचुरल ट्रीटमेंट कौन से लेने चाहिए? सबसे अच्छा, सबसे नेचुरल ट्रीटमेंट है पानी जी। बस लिक्विड हमेशा आपका पूरा रहे, आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो, तो आपकी किडनी स्वस्थ रहेगी। इसके अलावा किडनी के लिए कोई सेहत के फार्मूले अवेलेबल नहीं है कोई मार्केट में या कहीं भी कि किडनी ये लोगे तो किडनी स्वस्थ हो जाएगी। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, शरीर में पानी की कमी ना हो, पथरी हो तो उसका ढंग से इलाज कराएं, यही कुछ मेन मुद्दे हैं। बुजुर्गों में प्रोस्टेट की बीमारी हो जाती है मेल्स में, उनको भी खुल के यूरिन पेशाब बाहर नहीं आता, रात में 3-3, 4-4 बार जाते हैं, जोर लगाते हैं तो, और बताते किसी को नहीं है। तो इस तरह की जहां भी पेशाब के रास्ते में रुकावट नजर आए, खुल के मोटी धार में पेशाब ना आए। या एक और बात बताऊं, आपको पहली बूंद से आखिरी बूंद तक पेशाब करने में 60 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, चाहे आदमी है चाहे औरत है। जब आप यूरिन करने जाएं, अपनी स्टॉपवॉच शुरू कर दें, 60 सेकंड के अंदर अगर खुल के पेशाब हो जाता है तो आपको रुकावट नहीं है। और अगर 60 से ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप 120 सेकंड तक, 3 मिनट तक, 5 मिनट तक स्ट्रगल कर रहे हैं, पेशाब करके आए, फिर वापस आए, फिर वापस जाने का मन कर रहा है, तो जरूर कोई रुकावट की तकलीफ स्टार्ट हो गई है। तो ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट जी, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया कि 60 सेकेंड्स एक टाइम है, अगर उसमें रिलीज नहीं हुआ यूरिन तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी किडनी खराब है। डॉक्टर साहब, रुकावट जी है। जी, उस रुकावट को दूर कर रहा है। डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन आ रहा है कि अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो क्या हमारी स्किन भी हमें कुछ बताती है? जैसे आपने बताया कि ड्राइनेस है, ड्राइनेस के अलावा भी हमारी स्किन बताती है कि ये लक्षण है आपकी किडनी खराब होने के? हाँ, इसको कहते हैं अर्दी लुक। अर्दी लुक, अर्दी मतलब अर्थ, अर्थ पृथ्वी जी। तो जिस तरह से हम पृथ्वी की तरफ देखते हैं और एकदम ड्राई होती है, उसमें कहीं कोई शाइन नहीं होता। हम लोग अब धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ, जब हमारे कमरे में मरीज आता है, उसका फेस देख के, हमें उसकी स्किन यहाँ की देख के, क्रैक होती हुई बहुत ही सख्त सी और अर्दी लुक जिसको कहें, बिल्कुल ड्राई स्किन है, उसको देख के पता लग जाता है कि इसको कोई ना कोई क्रॉनिक किडनी डिसीज है जी। उसके चेहरे पे शाइन नहीं होती। तो मतलब किडनी को लेके एक लोगों में बहुत बड़ा मिथ है, मिथ कह लें कि ये लोगों ने ट्रेंड बना दिया है कि अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है तो आप बियर पिए और बियर से वो किडनी रिलीज हो जाएगी और आपकी किडनी भी स्वस्थ रहेगी, जितने भी आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं वो बियर की वजह से रिलीज हो जाएंगे, क्या ये सच है डॉक्टर साहब? बिल्कुल गलत, बिल्कुल ही गलत। बियर पिए, बियर हमारे यहाँ जो इंडिया में अवेलेबल है वो ड्रॉट बियर होती है और उसमें ऑक्सलेट की मात्रा बहुत होती है सिर्फ, और बाद में जब हम बियर पीते हैं तो बाद में हमें और शरीर की पानी की कमी हो जाती है और हमें रात को 2-3 गिलास पानी और पीना पड़ता है। तो बियर पीने से किसी तरह का किडनी को कोई रिलीफ नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं कि स्टोन के लिए बियर पी लाई जाए, वो एक्चुअली इसका ऐसा ये है कि आपने ज्यादा पानी पी लिया, अब 700 ml बियर पियोगे तो एक आध बार यूरिन करने जाओगे, दैट्स ऑल।
तो मैं तो ये कहूँगा कि एक गिलास या दो गिलास पानी उससे ज़्यादा अच्छे हैं, रादर आप बियर पिए। बियर का बिल्कुल कोई प्रोटेक्टिव रोल नहीं है, कोई थेरेपेटिक रोल नहीं है, किडनी के लिए किसी तरह से बेनिफिशियल नहीं है। डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन आया हमारे फेसबुक यूजर से, उनका पूछना है कि पथरी भी एक तरह की नहीं होती है, इसके भी प्रकार होते हैं, तो क्या हर पथरी के लिए ऑपरेशन किया जा सकता है या नेचुरल तरीके से उसको रिलीज किया जा सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और सबको जानना चाहिए। इस तरह से हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है जी। स्टोन हमेशा पथरी जो है किडनी में बनती है और फिर इस ड्रेनेज के रास्ते से निकल पड़ती है। यहाँ पर हमारी किडनी का जो मुंह है जहाँ से ये निकलना शुरू होती है, इसका साइज 5 मिलीमीटर होता है और जब ये नीचे जाती है ट्यूब, ये करीब 1 फीट लंबी ट्यूब होती है और यहाँ पे इसका डायमीटर 3 मिलीमीटर होता है। तो पथरियाँ जो 3 मिलीमीटर से छोटी हैं, किसी तरह के कोई इलाज की ज़रूरत नहीं होती, पानी पीने से और इंतज़ार करने से वो अपने आप निकल जाती है। अप टू 4 मिलीमीटर के स्टोन भी इस रास्ते से, ये देखा गया है 96% ऑफ द टाइम्स बिना किसी दवाई के अपने आप निकल जाते हैं। और यही पथरियां हैं जो हमारे देश के बाबाओं को क्रेडिट देती हैं कि आपकी पथरी निकल गई बाबा की दवाई जी, से जी, जी, जी। वो बिना किसी दवाई के भी निकलनी ही थी। उससे बड़ी पथरियां हम ये देखते हैं कि वो उसने किडनी को कितना ब्लॉक कर दिया है। अगर किडनी के बहाव को ये पथरी रोक देती है और 3 महीने से ज़्यादा इसका बहाव रुक जाता है तो किडनी में कुछ हद तक परमानेंट डैमेज होता है। तो हम कोशिश ये करते हैं 3 महीने तक दवाइयाँ दें जिससे कि ये ट्यूब चौड़ी हो और पथरी निकले। कुछ परसेंटेज तक 60% लोगों में इवन 6-7 मिलीमीटर तक की पथरी भी निकल जाती है। पर यह ज़रूरी है कि इस किडनी में काम हो, यहाँ से बहाव हो, तभी वो पथरी बहेगी। इसका हमें नहीं पता चलता, हमें नहीं मालूम जो हम पेशाब कर रहे हैं वो इधर से आ रहा है कि इधर से आ रहा है। ये पथरी ब्लॉक करके बैठी रहती है और इधर से हम यूरिन करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो इसके लिए टेस्ट अवेलेबल होते हैं जिससे हम पता लगा लेते हैं कि ये किडनी जिसके अंदर पथरी है, जो ब्लॉक्ड है, ये काम कर रही है कि नहीं। अगर ये काम कर रही है, पथरी छोटी है, धीरे 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 सरक रही है, तो ज़रूर हमें दवाइयों से इंतज़ार करना चाहिए। और बिलीव मी, 50% से ज़्यादा पथरियाँ हमारे देश में हम लोग दवाइयों से निकालने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। 50% पथरियाँ या शुरू में ही जो बहुत बड़ी पथरी पहली बार पता लगी, उनके लिए ज़रूर दूरबीन से और लेज़र से ऑपरेशन किए जाते हैं। दूरबीन हम या तो पेशाब के रास्ते से डाल लेते हैं तो फिर कोई चीरा नहीं होता, कोई टांका नहीं आता, या मैक्सिमम यहाँ से एक सुराख बना के 3 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर की दूरबीन डाल के, दूरबीन के अंदर वर्किंग चैनल होती है जिसमें लेज़र फाइबर डाल के पथरी का चूरा चूरा कर देते हैं और फिर सारा चूरा वहीं से ही निकाल देते हैं। डॉक्टर साहब, एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे फेसबुक यूजर ने पूछा है कि कई बार क्या होता है कि हमारी किडनी डैमेज हो जाती है, एक किडनी इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाती है कि उसको रिमूव करना पड़ता है, तो क्या एक किडनी के साथ जीवन भर इंसान जी सकता है और वो स्वस्थ जीवन जी सकता है क्या? हाँ, जी सकता है, क्योंकि हम लोग भी जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो जो किडनी देता है उसकी एक किडनी निकाल लेते हैं, वो एक ही किडनी से सारी जिंदगी जीता है। जिसको लगाते हैं उसको भी एक ही किडनी लगाते हैं और वो सारी जिंदगी जीता है। पर हाँ, ये जरूरी है कि उसकी उम्र बहुत ज्यादा ना हो। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, 80 साल की उम्र के आदमी की दोनों किडनी मिलाकर के भी 80 या 70% ही काम कर रही होती है, 20-30% गिरावट सिर्फ उम्र की वजह से आ जाती है। तो अगर कोई एजेड आदमी की एक किडनी निकाल दी जाए तो उसकी अकेली किडनी उसको नहीं संभाल पाएगी। इसीलिए हम लोग जो डोनर लेते हैं, जो किडनी डोनेट करता है, कोशिश करते हैं वो यंग एज का हो, 40-45 से कम उम्र का हो। 20 से 40 तक की उम्र में अगर एक किडनी निकाल दी जाए तो दूसरी किडनी पूरी तरह से उसको कंपेंसेट कर लेती है और एक अकेली किडनी पूरी तरह से जिंदगी जीने में सक्सेसफुल रहती है। तो डॉक्टर, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहेंगे। आपने छोटी से छोटी बारीकियां बताई कैसे किडनी हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है,
क्या लक्षण है और कैसे हम उसको स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपने सुना कि मेजर पॉइंट्स जो डॉक्टर ने बताए कि हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना है। अगर आप दिन भर बाहर रहते हैं, आप अपने काम की वजह से धूप में ज़्यादा जाते हैं, तो आपको कम से कम 5 लीटर पानी ज़रूर पीना है। लेकिन अगर आप अंदर रहते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं, या अगर कोई भी ऐसी जगह जहां रूम टेम्परेचर है, तो अब तब भी आपको 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, ताकि आप 2 से 2.5 लीटर यूरिन पास कर सकें। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई कि आप बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक दवाइयों का सहारा ना लें, क्योंकि उसमें ऐसे तत्व होते हैं जो आपकी किडनी को खराब कर सकते हैं। तो आप स्वस्थ रहें, अपनी किडनी का पूरा पूरा ख्याल रखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जुड़े रहें हमारे साथ। अन्य खबरों के लिए लॉग इन कीजिए लोकमत न्यूज़.in।